आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्त में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब, बहादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कॉन्टैक्ट करें। लोगों के मसाइल और मुश्किलात को समझने के लिए आवाम से बराह रास्त राबता करने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से नांदेड़ में सहरोजा जन संवाद यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है और ये यात्रा का आगाज 4 जनवरी को असलम ग्राउंड खड़गपुरा में एक जलसे आम से किया जाएगा। इस तरह की मालूमात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने दी है। नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस जनसंवाद यात्रा के दौरान अवामी राबता मुहिम के जरिए शहर के मुख्तलिफ बस्तियों में जाकर लोगों से मुलाकातें की जाएगी और मकामी मसाइल पर दो लोगों से गुफ्तगू की जाएगी। लोगों के मसाइल मालूम किए जाएंगे और उन्हें हल करने के लिए म्यूनसिपल कारपोरेशन इंतजामिया से मौसर नुमाइंदगी की जाएगी। इस वक्त मुल्क में मुतासब और फिरकापरस्त ताकतों के उरूज की वजह से मुल्क में पसमानदा और अकलियती बरादरियों में बेचैनी पाई जाती है और कोई भी लीडर और पार्टी सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन बाला साहब अम्बेडकर इस सूरत हाल में गरीबों के और आम लोगों के मसाइल को उठाने का काम कर रहे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर बाला साहब अम्बेडकर और वंचित बहुजन अघाड़ी का ये काम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। इन हालात में परेशान हाल लोगों को सब्र की तलखीन करना और मुस्तकबिल में मुमकिन फसादात से बचने के लिए अमन अमान बरकरार रखने के लिए चौकस रहने की तालीम देना भी मकसूद है। मस्कूरा यात्रा जुमेरात की शाम एक जलसे के जरिए शुरू की जाएगी और उसके बाद 5 जनवरी को सुबह 9 बजे मुनीर ग्राउंड खड़गपुरा से देगा उचाल वजीराबाद गुरुद्वारा जूना मुंडा गाड़ीपुरा खिला रोड सराफा बख्शी चौक मनियार गली चौपाला से हताई तक और रात 9 बजे अख्तितामी जलसा मुनक्किद होगा। दूसरे दिन 6 जनवरी को हफ्ते की सुबह यह यात्रा करबला से शुरू होगी। मल्लिया मोमिनपुरा सरसैयद स्कूल चौपाला बिलाल नगर मदीना नगर उर्दू घर देगलू नाका सहरा फंक्शन हॉल के सामने से होते हुए टायर बोर्ड तक पहुंचेगी और वहां अख्तितामी जलसा मुनक्किद होगा। शहर की तारीख में पहली बार इस किस्म की जनसंवाद यात्रा किसी पार्टी की जानिब से मुनक्किद की जा रही है। इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए बड़ी तादाद में लोगों से शिरकत की अपील की गई है। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, महानगर जुनूब के सदर विठल गायकवाड़, महानगर शुमाल के सदर अयूब खान, जिला जनरल सेक्रेटरी श्याम कांबड़े, महानगर के SM भंडारे, युवा के शुक्लोदन गायकवाड़ और दीगर अफराद मौजूद थे। हम जानते हैं कि इलेक्शन और इलेक्शन के कैंपेनिंग में तो हर पार्टी और हर नेता गली मोहल्लों में आते हैं, दरवाजे दरवाजे पर आते हैं, लेकिन जब चुनाव न हो तब हमारी सूद कोई लेता नहीं है। लेकिन जब जब भी कोई बाढ़ आई या कोई समस्या रही तो वंचित बहुजन अघाड़ी ने उन बस्तियों में जाकर बात करने की, लोगों के मसले हल करने की हमेशा कोशिश की है। लेकिन आज के माहौल में हम देख रहे हैं कि अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल से नांदेड़ महानगर पालिका की सभागार लगभग बर्खास्त हो चुका है और जो नगर सेवक थे वो माजी नगर सेवक हो चुके हैं, इसलिए गली मोहल्लों के मसलों पर कोई भी इनका वाली नहीं रहा है, कोई भी इनकी तरफ देखने वाला नहीं रहा है। हम नगर सेवक को बोले तो वो बोलते हैं हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया, अब कमिश्नर का राज चल रहा है, और कमिश्नर के पास में गली मोहल्लों में इतने अधिकारी नहीं है कि वो हर मोहल्ले में की सूद ले पाए। ऐसे वक्त में लोग बेचैन हैं, लोगों के अंदर रोष है और मुल्क का भी माहौल हम देख रहे हैं कि मुल्क में फिरकापरस्त ताकतें बढ़ गई है, संविधान विरोधी कानून बन रहे हैं, संविधान विरोधी घटनाएं घट रही है, लोगों को मॉब लिंचिंग हो रही है, दंगे हो रहे हैं अलग अलग स्टेटस रखने पर, और गोश्त के नाम पर भी हम देख रहे हैं कि धतिंगशाही चल रही है और लोगों को मॉब लिंचिंग करके मारा भी जा रहा है। ऐसे वक्त में जो पिछड़े तबके हैं और जो अकलियती मुस्लिम समाज है इनमें बड़ी बेचैनी है, कोई आके हमको अपने हालात पे गली से दिल्ली के मुद्दों पर बात करने तैयार नहीं। ऐसे वक्त में वंचित बहुजन अघाड़ी ने हिम्मत दिखाई है कि वो नांदेड़ शहर के खड़गपुरा से लेकर हताई तक और हताई से लेकर मदीना नगर बिलाल नगर और टायर बोर्ड तक, ये पहले फेज़ में हमने ये बस्तियों के अंदर जन संवाद यात्रा रखी है। हम आपके मोहल्ले में आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके हाल जानने के लिए, और गली से दिल्ली तक जो भी हालात है, जो भी आपके ख्याल आते हैं, जो भी आपके तासुरात है वो हम सुनेंगे भी और आपके सवालों के इंशाल्लाह जवाब भी। मेरे नांदेड़ की आवाम से अपील है कि कब तक हम इन सरमायादार सियासतदानों से डर कर रहेंगे या उनसे दब कर रहेंगे, हमको खुलकर अपनी बात को रखना पड़ेगा। हमने हिम्मत की है आप तक आने की, हम हिम्मत कर रहे हैं आपको बोलता करने की। मेरी आपसे गुजारिश है आप भी बोलिए, मौजूदा हालात पर बोलिए, जो कौमें बोलती नहीं है उनकी आने वाली पीढ़ियों को उनका जुल्म सहने के लिए टारगेट बनते हैं, इसलिए मौजूदा हालात में नांदेड़ की आवाम इस जनसंवाद यात्रा में बड़ी तादाद में शिरकत करेगी, ऐसी हम तवक्को करते हैं। ये जनसंवाद यात्रा
आप तक आ रही है आपको मिलने के लिए, आपके हालात को जानने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप इसका भरपूर सताइश करेंगे, भरपूर इसका इस्तकबाल करेंगे। सर्दियों में गोंद और शहद का मजा लीजिए मतलूब गोंद वालों से। भोकर के मारूफ गोंद वाले, उम्दा क्वालिटी का गोंद और शहद है इनकी पहचान। जंगल से लाया गया छोटी मक्खी का शहद और खालिस ढूंढे का गोल्डन डली और डायमंड डली गोंद लाखों लोगों की है पसंद। पंजेरी में या खास इस्तेमाल के लिए लीजिए सिर्फ मतलूब गोंद वालों का गोंद और शहद। शादी का ऑर्डर भी लिया जाता है, होलसेल एंड रिटेल दोनों तरह से हैं दस्तियाब। राब्ता कीजिए मतलूब गोंद वाले और निहाल गोंद वालों से। हमारा पता है मिल्लत नगर रोड, रहमत नगर, नांदेड़।